the value of lambda such that given vectors are coplanar. I plus 3j, 5k, lambda I minus j. ये वेक्टर क्या है कोप्लेनर है, उस केस में लैम्डा की वैल्यू निकालना। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री वेक्टर मस्ट बी जीरो, ये ना कोप्लेनिटी की कंडीशन होती है। और इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो, ठीक है। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल करके जीरो कर देते हैं, लैम्डा में एक इक्वेशन बन जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखिए वेक्टर ए कितना दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू है आई ऑफ प्लस 3j और k नहीं है इसके इक्वल नहीं मतलब जीरो की हो जाएगा है। वेक्टर के कितना है, इसमें i नहीं है j नहीं है तो 0i ऑफ प्लस 0j, ठीक है, ऑफ प्लस 5 है ना। वेक्टर से कितना है, वेक्टर से लैम्डा i माइनस j और k नहीं है इसको मतलब जीरो की हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ i इज 5, हाँ उस फैक्टर माइनस ए जेड ए बी सी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, है ना। तो फॉर कोप्लेनरिटी, फॉर कोप्लेनरिटी, कोप्लेनरिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, वॉल्यूम मस्ट बी जीरो, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर फैक्टर माइनस ए जेड और हो जाए फैक्टर माइनस ए जेड आपके फाइनल में फाइव इज जीरो, है ना। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू देते हैं, तो डिटरमिनेंट का फंक्शन क्या होगा, वेक्टर ए के आई जे के कोएफिशिएंट से बनेगा। तो वेक्टर ए का आई का कोएफिशिएंट 1 है, वेक्टर ए में जे का कोएफिशिएंट 3 है और के का कोएफिशिएंट 0 है। अब सेकंड रो वेक्टर बी के आई जे के कोएफिशिएंट से बनेंगे, तो आई का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, जे का कोएफिशिएंट 0 है और के का कोएफिशिएंट 5 है ना। अब वेक्टर्स थर्ड रो में वेक्टर सी के आई जे के कोएफिशिएंट से बनेंगे, तो ये आई का कोएफिशिएंट लैम्डा फिर माइनस वन एंड जीरो, इसकी वैल्यू क्या जीरो ना। अब इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू रो आपका विच है मैक्सिमम जीरो। तो देखिए सेकेंड रो या थर्ड कॉलम में मैक्सिमम जीरो है, इसके रिस्पेक्ट ओपन कर देते हैं हाँ। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिंग with respect to third column, third column के respect में open कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा minus five, delete row and column, तो क्या मिलेगा आपको one three lambda minus one is equal to zero, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका minus five और ये जगह माइनस लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो माइनस माइनस थ्री लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो माइनस थ्री लैम्डा इक्वल टू वन हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाई थ्री, ये आपका आंसर होगा। देखिए